बाबर आजम और इफ्तिकार अहमद के शतक से पाकिस्तान की बड़ी जीत, नेपाल को 238 रनों से रौंदा। पाकिस्तान की टीम ने एशिया कप 2023 में शानदार आगाज किया है। बाबर आजम के 151 रन और इफ्तिकार अहमद के 109 रन के शतक की बदौलत पाकिस्तान ने एशिया कप 2023 के ओपनिंग मैच में नेपाल को 238 रनों से रौंद डाला। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए नेपाल के सामने जीत के लिए 343 रन का लक्ष्य रखा था। नेपाल की टीम 104 रन पर ही ढेर हो गई। पाकिस्तान के लिए शादाब खान ने 4 विकेट लिए। यह पाकिस्तान की एशिया कप में सबसे बड़ी जीत है। वहीं वनडे के इतिहास में पाकिस्तान की यह रनों के लिहाज से तीसरी सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले पाकिस्तान की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पाकिस्तान के दोनों ओपनर फखर जमान और इमाम उलक जल्दी आउट हो गए। फखर जमान का विकेट करण केसी ने लिया, वहीं इमाम उलक रन आउट हुए। 25 रन के स्कोर पर पाकिस्तान ने 2 विकेट गवा दिए थे। इसके बाद कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने पारी को संभाला और दोनों बल्लेबाजों ने 86 रनों की साझेदारी की। मोहम्मद रिजवान 44 रन के स्कोर पर रन आउट हो गए। आगा सलमान ने भी निराश किया, 124 के स्कोर पर पाकिस्तान ने 4 विकेट खो दिए थे। इसके बाद बाबर आजम और इफ्तिकार अहमद ने मोर्चा संभाला और पाकिस्तान की शानदार वापसी कराई। बाबर आजम ने वनडे करियर का 19वां शतक जड़ा। शतक जड़ने के बाद बाबर आजम ने आक्रामक बल्लेबाजी की, वहीं दूसरे छोर पर इफ्तिकार अहमद ने वनडे करियर का पहला शतक ठोका।